तो व्यूज आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है आजकल के जो हालात ख़राब चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान। जैसा कि हमें ऐसा फील हो रहा है दुनिया तीसरे जंग अजीम का स्टेज तकरीबन तैयार हो चुका है। इस वक्त दुनिया तकरीबन दो ग्रुप में तकसीम हो चुकी है। ग्रुप नंबर वन में चाइना, रूस, पाकिस्तान और उनके इत्तेहादी। ग्रुप नंबर टू में अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी। अमेरिका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और साउथ चाइना सी के इर्द मौजूद तमाम ममालिक जैसा कि जापान, फिलिपाइन, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया को चाइना के खिलाफ उकसाने में कामयाब हो गया है और यहाँ अपनी डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ गया है और भारत को कहा है कि अपनी नेवी के ज़रिए अब नए मलाका को चाइना की बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे। याद रहे अब नए मलाका के ज़रिए चाइना की ज़्यादातर तजारत होती है और चाइना का 80% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो बदले में चाइना के पास सिर्फ गवादर बचता है अपनी तजारत के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। जवाब में चाइना भी पॉलिसी बना ली है और अगर भारत अब नए मलाका बंद करने की कोशिश करता है तो चाइना भी भारत भारतीय रियासत जैसा कि सकम पर कब्जा करके सिलीगढ़ी कॉरिडोर जो कि भारत की 7 रियासतों आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुर को बाकी भारत से मिलाता है, इस पर कब्जा करके उन सब को भारत से अलहदा कर सकता है। और भारत भी ये बात अच्छी तरह जानता है इसलिए काफ़ी हद तक खामोश है। अब भारत ने तिब्बत काट खेलने का फैसला किया है और दलाई लामा पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और यूएन समेत हर जगह पुश मनाई करेगा। नतीजे में चाइना ने भी कश्मीर काट खेलने का फैसला कर लिया है और हर सूरत कश्मीरी और कश्मीरियों की आवाज़ के लिए काम करेगा और ये बात भी पाकिस्तान के लिए ही खुशाइन है। दूसरी तरफ चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकाल लाया है और अब ईरान भी खुलकर भारत के ख़िलाफ़ मैदान में आ रहा है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फैसला बाकी है और चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तिजारत डॉलर में करने की बजाय अपनी करेंसियों में करने की ऑफर कर दी है। ये अमरीकी डॉलरों को बदतरीन धचका होगा। अमरीका भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव डालेगा अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने की बजाय अमेरिका के दबाव पर घुटने टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब की बजाय ईरान और रूस से तेल खरीदना शुरू करेगा। चाइना सिर्फ सऊदी अरब से 40 अरब डॉलर का तेल खरीदता है और ईरान पहले ही चाइना को आधी कीमत पर तेल देने की ऑफर कर चुका है। अरब ममालिक पर बहुत ही कड़ा वक्त है लेकिन अमेरिका अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को डसता है और चाइना अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है। बाकी फैसला मोहम्मद बिन सलमान के सवाबदीद है। इसराइल की कोशिश है कि खुद जंग में न कूदे और अमेरिका, भारत इत्यादियों के ज़रिए चाइना को शिकस्त दे। बिल्कुल वही पॉलिसी जो पहले जंग अजीम में अमेरिका की थी जब रूस, बरतानिया और फ्रांस बमुकाबिल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया थे और अमेरिका पहले 3 साल तक दोनों को असला और खुराक फरोख करके खूब पैसे कमाता रहा और आखिरी साल जब रूस इनकलाब के बाद जंग से बाहर हुआ और दोनों फरीकें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे तो ऐलान जंग कर दिया। इसी तरह जंग जीत गया अमेरिका। अब इसराइल की भी वही पॉलिसी है जब अमेरिका, भारत, चाइना, रूस और पाकिस्तान आपस में लड़के बेहद कमज़ोर हो चुके होंगे तो उसी वक्त जंग में शामिल होगा और बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए जंग जीत कर
सुपर पावर की सीट पर जाकर बैठ जाएगा। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो खुद जंग में नहीं कूदना चाहता, बल्कि भारत और दूसरे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहता है। लेकिन इसराइल ये होने नहीं देगा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं और कह चुकी हैं कि चाइना अमेरिका को शिकस्त देगा, और इसराइल चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर सजाएगा। इन सूरतों में वतन अजीज के लिए भी बहुत इम्तिहानात हैं। मुल्की हालात के पेश नज़र पाक फौज और रियासती इदारों की भरपूर कोशिश है कि फ़िलहाल इस जंग को थोड़ा दूर ढकेला जाए, ताकि मुल्क के हालात थोड़े काबू में आ सकें। दुश्मनान इस्लाम तो पाकिस्तान को जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जंग में ढकेलना चाहते हैं, ताकि इस्लामी दुनिया की वाहिद ढाल इस्लामी दुनिया के वाहिद हिस्सा पाकिस्तान को तोड़ा जाए। अगर आज पाकिस्तान मजबूत और एटमी ताकत ना होता तो शायद ही कोई इस्लामी मुल्क इस वक्त दुनिया के नक्शे पर मौजूद होता। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपनी रियासत और फौज पर भरोसा रखे और हर सूरत उनके शाना बशाना खड़े हों। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और नए आने वाले व्यूअर्स को गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक मौसूल हो सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।